हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई नो मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस, बैक टू द टॉपिक। आपने द होली बाइबल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें धरती कैसे बनी, ये धरती कैसे ख़त्म होगी और क्या काम करना पाप है और क्या पुण्य, इसके बारे में लिखा हुआ है और जिसे सब क्रिश्चियन फॉलो भी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे गॉड की लिखी द होली बाइबल है, ठीक वैसे ही शैतान की लिखी एक किताब है जिसे द डेविल बाइबल कहते हैं, या हम इसे कोडेक्स गीगास के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कोडेक्स गीगास के बारे में। इस किताब को 13th सेंचुरी में एक मॉन्क ने लिखा था जो बेनेटिक मोनेस्ट्री का था, जिसे हम आज चेक रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इस मॉन्क ने अपने मोनेस्ट्री के नियमों का पालन नहीं किया और कुछ ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म किए जिसे परफॉर्म करना मना था, और इसकी वजह से उस मॉन्क को जिंदा दीवार में चुनवाने की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन जब उसे दीवार में चुनवाया जा रहा था, तब उस समय मॉन्क ने राजा से बस एक दिन का समय मांगा और वादा किया कि वो उन्हें एक रात में एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिससे वो इस दुनिया के सारे राज जान जाएंगे और वो उस किताब को पढ़कर अमर हो जाएंगे, और साथ ही साथ वो उस किताब में अपने राज्य और उनके राजाओं के बारे में भी लिखेगा। और ये सुनकर राजा ने उस मॉन्क को एक दिन का समय दे दिया। लेकिन जब उस मॉन्क ने उस किताब को लिखना शुरू किया, तो वो जान गया कि वो एक रात में इस किताब को पूरा नहीं कर पाएगा, और अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्क ने लूसीफर से मदद मांगी और अपनी आत्मा का सौदा करके उसे ये किताब एक रात में पूरी करने को कहा, जिसके बाद लूसीफर ने ये पूरी किताब बस एक रात में लिख दी और दूसरे दिन सुबह मॉन्क ने इस किताब को राजा को दे दिया। लेकिन किताब लिखने के कुछ दिनों बाद ये मॉन्क गायब हो गया और उसके बाद उस मॉन्क की खबर किसी को भी नहीं मिली। ये किताब में जितने अजीब राज और बातें हैं, उतनी ही अजीब ये किताब दिखने में भी है, क्योंकि ये किताब 36 इंच लंबी है और इसकी थिकनेस 8.7 इंचेस है और इसमें कुल 320 पन्ने हैं। अब आप सोचिए ये किताब कितनी बड़ी है, और साथ ही साथ इस किताब का कवर लकड़ी से बना हुआ है और उस पर कुछ मेटल कैप्स भी लगे हैं। और चौंकाने वाली बात ये है कि इस किताब के पन्ने कागज़ से नहीं बल्कि गधे के चमड़े से बना है। हाँ, आपने सही सुना, गधे के चमड़े से। माना जाता है कि इस किताब को बनाने में कम से कम 160 गधे लगे होंगे, और इस बुक के अंदर जनरली रेड, ग्रीन और येलो इंक का यूज़ हुआ है और इसे लैटिन में लिखा गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्टिक पैटर्न और ड्राइंग है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आपको इस किताब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी डेविल की तस्वीर मिलेगी, जैसा आप अभी देख सकते हैं, और इस फोटो में डेविल अपने दोनों हाथ ऊपर करके रखा है, नीचे बस एक छोटा सा टाइगर स्किन पहने हुए है। माना जाता है ये तस्वीर शैतान को सम्मान देने के लिए उस मॉन्क ने बनाई थी। ये तो हो गई किताब की बात। अब जानते हैं इस किताब के बारे में दुनिया को कैसे पता लगा। ये बात 1648 की है, जब स्वीडिश सोल्जर ने प्रैग शहर पर हमला किया और वहाँ का सारा खजाना लूट लिया। लेकिन उन्हें खजाने के साथ एक और चीज़ मिली, और वो थी ये बुक, द डेविल बाइबल। और स्वीडिश के राजा ने उस बुक को नाम दिया कोडेक्स गीगास। कोडेक्स का मतलब होता है बुक और गीगास का मतलब होता है जाइंट, मतलब द जाइंट बुक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये किताब कितनी बड़ी है। और इस किताब को फिर स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रखा गया और वहाँ पर इसे पढ़ने का हक केवल वहाँ के शाही घराने के लोगों और राजा को था। लेकिन 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में आग लग गई और इस किताब को बचाने के लिए उसे लाइब्रेरी से नीचे फेंक दिया गया, जिसकी वजह से इस किताब की बाइंडिंग खुल गई और इस किताब के आखिर के 10 पन्ने अलग होकर खो गए। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि उन पन्नों को जानबूझकर हटा दिया गया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे राज और रिचुअल थे जिससे शैतान को हम अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। और अब अगर हम करेंट डेट की बात करें, तो ये किताब आपको प्रेजेंट डे में चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में पब्लिक डिस्प्ले पर दिखाई देगी। मैंने आपको अभी तक जो भी बताया वो सुनी सुनाई बातें थी। अब बात करते हैं इस किताब से जुड़े कुछ साइंटिफिक फैक्ट और रिसर्च के बारे में। इस किताब पर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि अगर आज के टाइम में कोई आदमी इस किताब की हूबहू नकल करे,
उसमें लिखी हुई बातें और पैटर्न वापस बनाएं तो उसे ये सब करने में पूरे 30 साल लग जाएंगे। अब आप सोचेंगे, हाँ 30 साल तो लग ही सकते हैं, आखिर ये किताब इतनी बड़ी जो है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस किताब के पहले पन्ने की जो हैंडराइटिंग है, ठीक वही हैंडराइटिंग लास्ट पन्ने की भी है। अब आप बोलेंगे कि अगर इस किताब को एक आदमी लिखा है तो हैंडराइटिंग तो सेम होगी ही, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ने ये बात प्रूव कर दी है कि हमारे मूड और हमारे तबीयत के ऊपर हमारी हैंडराइटिंग भी चेंज होती है। यानी अगर हम गुस्सा है तो हमारी हैंडराइटिंग अलग होगी, अगर हम उदास हैं तो हमारी हैंडराइटिंग अलग होगी, और हमारे तबीयत पर भी हमारी हैंडराइटिंग चेंज हो जाती है। और साथ ही साथ हर 10 साल में हमारे लिखने का पैटर्न भी चेंज होता है। तो ये बात तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि किसी आदमी की हैंडराइटिंग 30 साल तक एकदम कांस्टेंट रहे, क्योंकि हमारा मूड तो कभी एक पल में गुस्सा, कभी एक पल में उदास, कभी एक पल में खुश। तो ये कैसे पॉसिबल है किसी एक आदमी का मूड 30 साल तक बिल्कुल कांस्टेंट एक जैसा रहे। साइंटिस्ट भी इस बात से परेशान है कि किसी एक आदमी की हैंडराइटिंग 30 सालों तक बिल्कुल सेम कैसी रह सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस किताब से जुड़े हर एक फैक्ट के बारे में बता दिया। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस किताब को सच में शैतान ने लिखा है या इसके पीछे और कोई राज है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइज, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।